Uh, नमस्कार मैं हूं अनूप कीप वॉचिंग इंडिया फायर न्यूज नमस्कार मैं जून महसी फॉर्म इंडिया फायर न्यूज हम बात करेंगे नेता सदन जी है उत्तरी निगम का आइए हम पूछते हैं सर आपका नाम और आज जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम आपसे बात करने के लिए आए पहले आप अपना नाम बताइए जयेंद्र डगास सर आज हमने देखा है कि बहुत बार टीचर बार बार रोड पे आ जाते हैं एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं और सरकार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ केजरीवाल सरकार बोलते हैं कि शिक्षा के ऊपर बहुत काम हो रहा है लेकिन अगर टीचर ही रोड पर आ जाएंगे तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे सर देखिए बड़ा दुख का विषय है कि हम समय पर सैलरी नहीं दे पा रहे और हमारा फर्ज भी बनता है कि एम के कोई भी कर्मचारी हैं हम उनको समय पर सैलरी दे पाएँ लेकिन दिल्ली की सरकार ने ठान ली है कि दिल्ली की जनता को धोखे में रखना है जब वो सरकार में आए थे तो वो जो सत्तर झूठे वादे करके आए थे कि हम सारे टीचरों को परमानेंट कर देंगे सबको समय पर सैलरी दिलाएंगे हम सबका पैसा दे देंगे उन सारे सत्तर वादों से आज वो दिल्ली की सरकार मुखर गई है जो दिल्ली हम एम को ग्लोबल शेयर का पैसा एम को मिलता है वो हक है फोर्थ पे कमीशन जो उसमें लागू होना था वो आज तक उन्होंने लागू नहीं किया है हमारे सत्रह करोड़ रुपये टीचर्स के लिए हमने मांग की हमारे एडिशनल कमिश्नर है फाइनेंस रेनू जगदेव जी ने ये पत्र बारह बारह 2017 को लिखा है सत्रह करोड़ रुपए की इसमें डिमांड की गई है और ये सारे उसमें हस्ताक्षर हैं यूडी डी यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी को लिखा है ये पत्र और आज तक भी ये पत्र उन्हीं की फाइल पर पड़ा हुआ है सत्रह करोड़ रुपए अगर जो ये आ जाता तो आज इमीजिएट इनकी सैलरी रिलीज हो जाती ये केवल सैलरी के लिए है हमने साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया हमने डिमांड किया है दिल्ली सरकार से लोन के लिए कि ये लोन हमें दे दिया जाए एक जनवरी दो हज़ार पाँच जनवरी दो हज़ार अठारह को हमने ये पत्थर ये भी हमने यू डी सेक्रेटरी को लिखा है लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हो रहा अगर जो दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए चिंता कर सकती है तो वो एम सी को पैसा क्यों नहीं देती हम अपना शेयर का पैसा मांग रहे हैं हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं जबकि दिल्ली की सरकार में चौबीस सौ करोड़ रुपये बकाया है आज के दिन हमारा क्यों नहीं दे रही दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है टीचरों के साथ खिलवाड़ कर रही है जो जितने वादे किए थे उनके साथ खिलाफ वादा खिलाफ ही कर रही है और कल तो उन्होंने हादी कर दी सर दिल्ली को शर्मसार कर दिया वहाँ दिल्ली के सचिव के साथ किस तरह से मारपीट की है कैसे सरकारें चलेंगी कल वो सारे सारे लोग हड़ताल पर चले गए थे तो कैसे दिल्ली चलेगी मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए लोग लोकबाग टीचर तो दुखी होंगे सर केंद्रीय सरकार से सरकार से आप निवेदन करें कि केजरीवाल सरकार हट जाए सर आपको केंद्र सरकार के ऊपर फेद होता तो केंद्रीय सरकार तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते क्योंकि एम में तो सारी बीजेपी सरकार ही काम रहे हैं ना नहीं बीजेपी सरकार है केंद्र में लेकिन हमारी मांग है जो दिल्ली में आज जिस प्रकार से जो हो रहा है मार पिटाई हो रही है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है किस प्रकार से उनके... नहीं मेरी कहने का मतलब है जब यहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी सरकार है जी. उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी आप लोगों के पास सैलरी जो टीचरों के पास सैलरी नहीं, नहीं आ रही है फिर आप कह रहे कि फिर बीजेपी सरकार से आप अपील कर रहे कि केजरीवाल सरकार ये नहीं समझ है, में है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कोई भी राज्य सरकार केंद्र पैसा देती राज्य सरकार को और राज्य सरकार पैसा देती है निगम को तो राज्य सरकार को तो पैसा दिल्ली ने केंद्र ने दे ही दिया है ना लेकिन दिल्ली की सरकार एमसीडी को उसका ग्लोबल शेयर का पैसा नहीं दे रही है ऐसा प्रावधान नहीं है जब तक राज्यपाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू ना करे उसके बिना सीधा एम को पैसा दिल्ली केंद्र सरकार नहीं दे सकती हम करें हम डिमांड कर रहे हैं हम करें अगर जो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पैसा दे दिया जाए हम भी वही बात कह रहे हैं लेकिन वो एक प्रावधान है कि केंद्र सरकार पैसा तभी दे सकती जब दिल्ली में कोई राज्य सरकार ना अभी हमने देखा है बार बार धरना पे धरना हो रहा है अभी जब अंकित का डेथ हुआ था वहाँ पर मनोज तिवारी गए केजरीवाल सर भी गए लेकिन वहाँ के लिए एक बच्चे का डेथ होता है वो भी एक संतान है यहाँ के हिंदुस्तान की बिल्कुण। उनका भी फ़र्ज बनता है वहाँ पर गए लेकिन बात इसीलिए आया है क्योंकि एक बच्चे का डेथ होता है तो वहाँ पर लोग जाते करोड़ों का डिमांड करते हैं लेकिन यहाँ पर हर टीचर पल पल में मर रहे हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो आपका जो ये डिमांड है आपको लगता है कि ये डिमांड सरकार सुनेंगे बार बार टीचरों को रोड पर आना पड़ रहा है ये एक शर्म की विषय है तो आपको लगता है कि सरकार इसके लिए थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट होगा हम दिल्ली की सरकार के पास बार बार जा चुके हैं केजरीवाल साहब से भी मिल चुके हैं एलजी साहब से मिल चुके हैं दोबारा हम प्रयास करेंगे क्योंकि हम अपना प्रयास हम प्रयास सार्थक हो जाए उसके लिए प्रयास करते रहेंगे दिल्ली की सरकार जब तक नहीं मानती उसके लिए हम विरोध भी करेंगे उसके खिलाफ़ प्रदर्शन भी करेंगे नहीं तो दिल्ली की दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में दिल्ली की सरकार को जवाब देने वाली है हाई कोर्ट से भी तो ऑर्डर आया है ये तो दिल्ली की सरकार किसी कोर्ट को तो मानती नहीं ना जी कोर्ट को नहीं मानते इसी वजह से 20 विधायक इनके सस्पेंड हो गए इसी कारण से इन्होंने किसी कानून को माना नहीं और कानून को ना मानते हुए कल दिल्ली के सचिव के मार पिटाई की है जबकि हमने देखा है कि स्कूलों में बहुत सारा काम हो रहा है कंप्यूटर आ रहे हैं बच्चों के जो भी कैजुअल जो जरूरत है स्कूल के लिए सारी सारी चीजें हो रहा है लेकिन एक टीचरों को सिर्फ तनख्वाह को छोड़ के तो सिर्फ केजरीवाल सरकार के ऊपर आप लगा रहे हैं लेकिन मोदी सरकार के ऊपर कोई विलियम नहीं है नहीं नहीं मोदी सरकार तो पैसा राज्य सरकार को दे रही है जी उसका जितना शेयर है उससे ज्यादा दे रही है लेकिन दिल्ली की सरकार एम को पैसा देना उसका ग्लोबल शेयर का पैसा मांग रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं हम फोर्थ पे कमीशन लागू क्यों नहीं कर रही है जो आज से पहले हो जाना चाहिए था कितने पिछले निगम ने मांगे आज भी हम मांग रहे हैं लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे हैं केंद्र सरकार ने तो दिल्ली सरकार को पैसा दिया है ना जी उसी का शेयर मांग रहे हैं हम एक्सा कुछ नहीं मांग रहे अगर जो हमारे को पैसा दे दे तो हम सारा सैलरी लोन जो आपने दिया है लोन के लिए क्या बता रहे हो लोन साढ़े तीन सौ करोड़ के लिए हमने डिमांड की है दिल्ली की सरकार से पहले भी लोन आता रहा है तो वो लोन हमें साढ़े तीन सौ करोड़ दे दो हम तुरंत मार्च तक की सबकी सैलरी सब ऑल और निगम में जितनी सैलरी है वो सब रिलीज कर देंगे कोई पैसा बकाया नहीं होगा और टीचर्स की सैलरी अभी हम दिसंबर की जो सैलरी है वो भी हम इसी महीने के लास्ट तक सारे फरवरी के लास्ट हाँ, लास तक अभी हम जनवरी तक की सैलरी हम दे देंगे टीचर के. को अभी हम टीचर से बात करें तो टीचर लोगों ने बोला कि हम बच्चों को ना पढ़ाएंगे ना स्कूल जाएंगे हमने देखा है कि अभी एग्जाम आ रहे हैं मार्च में तो क्या एग्जाम को रोक दिया जाएगा नहीं नहीं एग्जाम बिल्कुल नहीं रोका जाएगा हमने वादा किया है कि हम तुरंत इस सैलरी को यहाँ देंगे इसके तुरंत और इसके बाद जनवरी की जो सैलरी होगी वो मार्च तक के बीच में दे देंगे हम लेकिन अगर जो हमारा पैसा साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए आ जाता है तो कोई हमारा बकाया नहीं बचेगा तुरंत हम इसको दे देंगे क्योंकि सर जो एम में बच्चे आते हैं ना वो गरीब लोग ही पढ़ाते हैं क्योंकि बाकी बेंगे। जो अच्छी फैमिली होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं एक सरकार केजरीवाल सरकार गरीबों की वजह से बना है और हमारी बीजेपी जो सरकार है बीजेपी सरकार कहते हैं सबका साथ सबका विकास तो आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने दे दिया है लेकिन एमसीडी में बीजेपी सरकार ही है दे दे। आप लोग कह रहे हैं केजरीवाल सरकार रोक रखा है दे दे। तो इन सारी बीसों बीच एक राजनीति जो लड़ाई हो रहा है उसमें सिर्फ टीचर ही पीछा जा रहे है अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है कि, कि किसी टीचर का डेथ भी हो गया है तो इस तरीके से गतिविधि होता रहेगा तो आपने बोला कि फेब्रुआरी लास्ट तक इसका डी एंड हो जाएगा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होएगा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे फिर देखिए दिल्ली की सरकार जो वादा करके आई थी कि हम गरीबों के हिते हैं लेकिन उन्होंने आज ये सिद्ध कर दिया कि वो गरीबों के हिते नहीं है गरीब विरोधी सरकार है उन्होंने गरीबों के खिलाफ मुहिम जोड़ी है एमसीडी के लोगों को सैलरी ना मिलना ये दिल्ली की सरकार की नाकामी है अगर जो पैसा दे दे हम समय पर सैलरी दे सकते हैं लेकिन वो सारा का सारा दिल्ली की सरकार ने जो वादा किया हर वादे पर वो दिल्ली की सरकार मुखर रही है उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की बात कही थी आज तक कहीं सी कैमरे नहीं लगे उन्होंने कमांडो की बात करें तो स्कूलों में लड़कियों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार अत्याचार हो रहा है उनके मंत्री संदीप जैसे जो सुल्तानपुरी से विधायक और मंत्री रहा किस प्रकार से एक महिला के साथ बलात्कार उन्होंने किया है इस प्रकार के कितने घिनों ने आज सतेंद्र जैन जमीन घोटाले में फंसा हुआ है सारे उसके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं लेकिन आज भी वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांगती है और उसका परिणाम आने वाले चुनाव में मिलने वाला है थैंक यू सर हमने बात कर चुके हैं सर से और हम देखते हैं कि क्या होने वाले हैं फेबुअरी टू टू ए, की 28 तारीख तक इन्होंने एक लिया है टारगेट कि सबको दे देगा सैलरी आखिर में क्या होने वाला है तब तक आप देखते रहे इंडिया फायर न्यूज़ नमस्कार